अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, और उसके बाद सिलेक्ट ऑल की जो ऑप्शन है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि मेरा हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत जाए। मैं फिर से आ गई हूँ और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, ये वेस्टर्न उड़ीसा का बहुत ही एक फेमस स्वीट रेसिपी है। अगर किसी को पता है तो अभी मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि बाद में तो आपको पता चल ही जाएगा, तो कोई चीटिंग नहीं। अगर किसी को पता है तो अभी मुझे कमेंट कीजिए। तो एक्चुअली ये वेस्टर्न उड़ीसा का बहुत ही एक फेमस रेसिपी है, स्वीट रेसिपी है। तो इसका नाम है सरसतिया। मतलब वेस्टर्न उड़ीसा के जो लोग हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, लेकिन बाहर के लोगों को इसके बारे में उतना भी पता नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ये रेसिपी थोड़ा सा लुप्त होने लगा है। तो कुछ ही दुकान ऐसे शायद है संबलपुर में जहाँ पे ये मिठाई अभी भी बनता है। तो आप कभी भी अगर ये वेस्टर्न उड़ीसा की तरफ आ रहे हैं तो ये मिठाई एक बार जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा होता है टेस्ट। मैं बहुत बार ऐसे सुनी थी मेरे फ्रेंड्स लोगों से कि सरसतिया एक मिठाई है, लेकिन कभी भी ट्राई नहीं की थी, लेकिन इस बार ट्राई की, बहुत अच्छा लगा। तो अभी फ्रेंड्स इवनिंग का टाइम है और हम लोग निकल चुके हैं संबलपुर की ये डाइक रोड पे, क्योंकि यहाँ पे सनसेट का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। देखिए फ्रेंड्स, सनसेट के टाइम पे ये जगह बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए व्यू को एंजॉय करते हैं। तो अभी हम निकल पड़े हैं हीराकुद का इको रिट्रीट की तरफ। ये जो लाइटिंग दिख रहा है दूर से, यही है हीराकुद का इको रिट्रीट। तो इवनिंग का नजारा थोड़ा एंजॉय करके आते हैं वहां पे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, संबलपुर एपिसोड का ये लास्ट वीडियो है। तो मैं मिलती हूँ आपको और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और एक जगह पे। टिल देन बाय बाय।